अब तक आपने देखा रामा की शर्तों को मानकर तथाचार्य रामा को दरबार में ले जाते हैं। रामा स्वयं का उदाहरण देते हुए महाराज की समस्या का हल सुझाता है। तथाचार्य के समक्ष अपने कथन को सिद्ध करने के लिए रामा महाराज की अनुमति से नगर में घोषणा करवाता है कि जो भी पूरी रात नदी के शीतल जल में खड़ा रहेगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाएगा। अब आगे कोई नहीं आएगा महाराज, कोई भी नहीं आएगा। किसी की आवश्यकता उसकी बुद्धि से बड़ी नहीं होती। कोई मूर्ख ही ऐसा प्राण घातक कार्य कर सकता? पूर्ण रात्रि नदी के शीतल जल में कोई खड़ा नहीं रह सकेगा, कोई भी नहीं। हमने पंडित रामा कृष्णा की बात को असत्य सिद्ध कर दिया। महाराज, प्रणाम महाराज। आइए, कौन है आप? मैं सांतिया हूं मंत्रीवर, महाराज की घोषणा सुनकर आया। मैं पूर्ण रात्रि नदी के जल में खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। मूर्खो जो अपने प्राण त्यागना चाहते हो। मान्यवर, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं, परंतु आप जानते हैं ना, जो कार्य आप करना चाहते हैं वो अत्यंत ही कठिन है। जीवन से कठिन कुछ नहीं है पंडित जी, मुझे धन की आवश्यकता है। मेरी व्यवस्था को समझें। ऐसी क्या व्यवस्था है आपकी जो आप अपने प्राण देना चाहते हैं? निर्धनता से बड़ी और क्या व्यवस्था हो सकती है? मेरी पत्नी बहुत अस्वस्थ है, उपचार कराना है। मेरी पुत्री का विवाह तय हो गया है, इस पुरस्कार की आवश्यकता है मुझे। यदि ऐसी परिस्थितियां हैं तो आप महाराज से सहायता मांग सकते थे, महाराज अवश्य आपकी सहायता करते। आत्मसम्मान का क्या होगा? महाराज दयालु हैं, लेकिन मैं भिक्षा नहीं ले सकता। मैं तो ये कार्य करके ही धन लूंगा। देखा गुरुवर, इनकी आवश्यकताएं इन्हें ये करने पर विवश कर रही हैं। ये जानते हैं ये क्या करने जा रहे हैं, परंतु फिर भी ये यहाँ आए। बातें करने वाले बहुत देखे हैं हमने पंडित रामाकृष्ण, नदी के शीतल जल में पैर भी नहीं रख पाएंगे ये। ये मात्र दावा नहीं है आचार्य, मैं चुनौती स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हूँ। उचित है, उचित है, परंतु यदि आप चाहे तो हम आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको धन प्रदान कर सकते हैं। भिक्षा लेने से तो प्राण देना अधिक उत्तम है महाराज। एक बार पुनः विचार कर लीजिए। जल इतना शीतल है कि सूर्य के ताप के बाद भी हमारे सेना के हाथी उस जल में प्रवेश करने से भयभीत हो रहे हैं। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं महाराज। उचित है, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं, जैसा आपका निर्णय। तो ये तय रहा, आज रात्रि आप कटी तक शीतल जल में केवल एक वस्त्र में खड़े रहेंगे। यदि कार्य संपन्न हुआ तो कल प्रातःकाल हम आपको 10 शस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत करेंगे।
ये तो अच्छा हुआ गुरुदेव कि गुरु माता ने आपके लिए कोई इस प्रकार का प्रण नहीं रखा, अन्यथा आपकी तो हड्डियां भी नहीं बचती। गुरुजी एक काम कीजिए, नदी में उतर के ना एक डुबकी लगा के देख लीजिए कि नदी का जल शीतल है या कहीं उष्ण तो नहीं है। अरे मूर्ख, इस शीत ऋतु में जल उष्ण कैसे हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं गुरुदेव, पंडित रामकृष्ण तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। क्या पता उन्होंने अपने कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए नदी की शीतलता को उष्णता में परिवर्तित कर दिया हो। गुरुजी जाकर आचार्य को बाहर निकालिए तुरंत। देखा, बुड्ढे को विश्वास हो गया, जल अत्यंत शीतल है ना। हाँ, किंतु बुड्ढा तो बच गया। आचार्य को उनके आवास पर ले जाइए। एक बार पुनः विचार कर लीजिए शांतैया काका, शीतल जल में वो भी रात्रि भर रहना प्राण घातक हो सकता है। मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, ये अवसर तो मेरे लिए वरदान है, मैं इसे खोने नहीं दूंगा। मुझे भली भांति विदित है कि आप जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। ठीक है शांतैया काका, आप माँ काली के नाम का जाप करते रहिए, वो आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगी। मैं भी माँ से आपके लिए प्रार्थना अवश्य करूंगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ पंडित रामकृष्ण जी। माँ काली, इनकी रक्षा करना, इनकी कार्य पूर्ति में सहायक होना, माँ रक्षा करना। चलिए पंडित रामकृष्ण, हम भी इनके लिए प्रार्थना अवश्य करेंगे। शांतैया काका, मन में माँ काली के नाम का स्मरण कीजिए, आपको शक्ति प्राप्त होगी।
काका, आप ठीक हैं? बाहर आइए। सैनिकों, इन्हें बाहर लेके आओ। बधाई हो शांतिया काका, आपने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। अब आपके और आपके परिवार के सारे संकट दूर हो जाएंगे। आश्चर्य है, आपको कुछ नहीं हुआ? आप ठीक हैं? कहीं कोई चालाकी तो नहीं की आपने? पूर्ण रात्रि नदी के शीतल जल में कैसे खड़े हैं? ये तो असंभव है, पूर्णतः असंभव। रात को चुपके से नदी के बाहर तो नहीं आए? सैनिकों, ये पूरी रात्रि जल में ही थे ना? जी महामंत्री जी, ये रात भर पानी में ही थे। जी मंत्रीवर, एक क्षण के लिए भी जल से बाहर नहीं निकले, पूरी रात जल में ही रहे। मैं स्वयं यहाँ उपस्थित था। अद्भुत कार्य किया है आपने संतैया, कैसे किया? उधर दूर मंदिर में एक दीपक जल रहा था, मैंने अपना सारा ध्यान उस दीपक की लौ की तरफ केंद्रित कर दिया। उसके प्रकाश को अंतर मन में अनुभव करता रहा, जैसे उष्णता दे रहा हो। माता काली के नाम का जप करते हुए दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित कर शीतलता से ध्यान हटाया। इस प्रकार रात्रि पूरी हो गई। यही तो इन्होंने चालाकी की और सबको धोखा दिया महाराज। अन्यथा कोई किस प्रकार इस शीतल जल में पूर्ण रात्रि खड़ा रह सकता? इन्होंने दीपक का सहारा लिया, उसकी उष्णता ग्रहण की, तभी इस शीतल जल में खड़े रहे। संतई, आपने कार्य में असफल हुआ है महाराज। अरे, ये कैसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आप गुरुवर? ऐसा कोई बंधन तो नहीं रखा गया था ना कि दूर रखे दिए को नहीं देख सकते? पंडित रामा कृष्णा, क्या ये तय नहीं हुआ था कि एक तिनके का भी सहारा नहीं ले सकते? बोलिए, तय हुआ था या नहीं हुआ था? जी हुआ था, पर हुआ था। अरे तिनका तो छोड़िए, इन्होंने तो पूरे दीपक का सहारा ले लिया, उष्णता ग्रहण कर ली। परंतु गुरुवर, आप क्या परंतु? पंडित रामाकृष्णा, जब देखो किंतु परंतु, इसने शारीरिक अथवा मानसिक जो भी सहारा लिया तो है ना? बोलिए, सत्य है या नहीं है? हाँ सत्य है, परंतु बस हो गया निर्णय महाराज। पंडित रामाकृष्णा ने भी स्वीकार कर लिया कि संतैया अपने कार्य में असफल हुआ है। अब इसे 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी प्राप्त नहीं होनी चाहिए। महाराज, प्रतियोगिता तो प्रतियोगिता है और नियम। संतैया नियमों का पालन नहीं कर सका, बात यही समाप्त हो जाती है। क्यों पंडित रामा कृष्णा? पंडित रामा कृष्णा, नहीं संतैया काका, आप चिंतित ना हो, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा। हाँ, उठा लो। क्या आपके सामने इतने सारे व्यंजन हैं? उठा लो और खा लो। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है।
क्यों सुबह से गुमसुम बैठा है? क्यों कोई वार्तालाप नहीं कर रहा? क्या समस्या है जो सोच में डूबा हुआ है? सोच रहा हूँ अम्मा, शांतिया काका के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, परंतु उन्हें न्याय नहीं मिला और यह अन्याय मुझसे सहा नहीं जा रहा। बस आप सही कह रहे हैं, परंतु उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनका भाग्य है और किसी और के भाग्य में कोई और क्या कर सकता है। हमने कब से थाली आपके सामने रखी है और आप है कि खा ही नहीं रहे। केवल थाली को देखने से पेट नहीं भर जाता। चलिए भोजन कीजिए। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा फिर से कहो। भोजन कीजिए। और क्या कहा? नहीं नहीं, उसके बाद क्या कहा? किसी और के भाग्य में कोई और क्या कर सकता है? नहीं, उसके बाद क्या कहा? केवल थाली को देखने से पेट नहीं भर जाता, खाना भी पड़ता है। चलिए खाइए। मिल गया उपाय। अब देखना मैं शांतिया काका को कैसे न्याय दिलवाता हूँ। महाराज, विजयवाड़ा राज्य में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। इस समस्या के समाधान के लिए हम। प्रणाम महाराज, क्षमा चाहता हूँ, आज फिर से मुझे आने में विलंब हो गया, परंतु आज के लिए मैंने विशेष अनुमति ली थी ताकि मैं कल के भोज की अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकूं। ये किस प्रकार के भोज की बात कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? महाराज, इस भोज के पीछे एक विशेष प्रयोजन है, परंतु इसके विषय में मैं आपको भोज के अवसर पर ही ज्ञात करवाऊंगा। आप भी दोनों रानियों सहित अवश्य पधारे। गुरुवर आपको, धनीमनी आपको और मंत्रीवर आप सभी को मैं यहां निमंत्रण देने के लिए ही उपस्थित हुआ हूं। बस महाराज की अनुमति की आवश्यकता है। अवश्य पंडित रामकृष्णा, अवश्य। यदि आपने भोज का आयोजन किया है तो कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होगा। ठीक है पंडित रामकृष्णा, अब जब महाराज ने स्वीकृति दे दी है तो हम भी अवश्य आएंगे। धन्यवाद गुरुवर। महाराज, ये एक ऐसा भोज होगा जिसे आप सब आजीवन भूल नहीं पाएंगे। अच्छा। अरे सब जल्दी जल्दी करो, उनके आने का समय हो गया है। ये हो गया। अरे अरे, ओहो, रुको, तुम पहले जाओ। अच्छा सुनो, क्या है, हम काम कर रहे हैं। अरे हाँ, तो मैं भी काम की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, सारा भोजन बन जाएगा और वो भी स्वादिष्ट। नहीं नहीं, तीन बातों का ध्यान रखना है। लड्डू अम्मा से बचा कर रखना, अन्यथा अम्मा टोकरी सहित सारे लड्डू चट कर जाएंगी और अतिथियों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं लड्डू नहीं खाऊंगी। हाँ। परंतु लड्डू चक्कर देखने की तो आवश्यकता है ना कि कैसे बने हैं, इसलिए मैंने 5 लड्डू चक्कर देख लिए हैं, स्वादिष्ट बने हैं। अच्छा अम्मा, बहुत हुआ हा? 5 लड्डू। और दूसरी बात, वो पाचन वाला काढ़ा दिखाओ, वो पाचन वाला काढ़ा तैयार कर लेना भोजन के प्रारंभ में परोसने के लिए, इससे उन सबकी भूख बढ़ जाएगी। आप 5 बार स्मरण करा चुके, हमने काढ़ा तैयार कर दिया है। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। इसे लीजिए, इसे
इससे भूख जागृत होगी और भोजन पचेगा भी। लीजिए। पीजिए आचार्य पीजिए, इस बार का भोज आपको सदैव याद रहेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.